हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन। सो जो चैप्टर 5, नेम ऑफ जो चैप्टर इज़ हिंद देश के निवासी, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम हिंद देश के, हम हिंदुस्तान के, हम भारत देश के रहने के वाले लोग हैं। हमारे अंदर कितनी भी विविधताएं हो, कितने भी हम अलग हो, लेकिन हम एक सूत्र हैं, मतलब एक ही धागे में हम सबको पिरोया हुआ, चाहे हमारा रंग रूप, हमारा धर्म क्यों ना अलग से हो। तो हमने ये डिस्कस किया था आपके चैप्टर 4 में, लास्ट सेशन में। तो आज हम जो इसका ग्रामर पोर्शन जो है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो भाषा सज्जता जो इसका चैप्टर है, इसमें भाषा सज्जता के बारे में, तो इसमें एक वाक्य बनाए, मतलब एक ऐसे वाक्य कुछ बनाए गए हैं, उससे हमें कुछ समझाने की कोशिश की है। तो पहले हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं। प्रियंका, मीना, आज तू चुपचाप क्यों बैठी है, मंदिर नहीं आना? मीना, नहीं मेरा मन नहीं लगता। प्रियंका, अरे हाँ आजकल तुम खेल रही हो ना? मीना, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ पर मुझे खेलना रास नहीं आया। प्रियंका, क्यों? मीना, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी, तब गेंद से सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया, उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। तो प्रियंका, ओ अब मैं समझी उदासी का राज, खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूँगी। तो ये जो वाक्य हमने पढ़ा, इसमें आपने देखा कि कुछ वाक्य जो हैं वो थोड़े से हाईलाइट किए गए हैं, जैसे मैं, मुझे, है ना, मैं, आप, उन्होंने। तो ये शब्द जो हैं कुछ हाईलाइट करे गए हैं। तो ये शब्द क्या हैं? ये शब्द मतलब किसी के नाम की जगह पर ये शब्द आए हैं ना, जैसे कि सीमा मौसी, फिर जब दूसरी बार हमने उसको लिखा तो उन्होंने ये थोड़ी लिखा कि सीमा मौसी घर की खिड़की कांच तोड़ दिया और सीमा मौसी ने शिकायत कर दी, तो ऐसा लिखने में थोड़ा सा अजीब सा। जब उन्होंने कहा उन्होंने शिकायत कर दी, तो जब सीमा मौसी की जगह पर हमने उन्होंने शब्द यूज़ करा तो वो क्या आ गया? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है उन शब्द को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। तो इस आज के जो भाषा सज्जता में हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो उपयुक्त संवाद में व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, संज्ञाएं शॉर्ट कर लिखिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें पर्टिकुलर हमें उसका पता होता है कि हम किस व्यक्ति के बारे में, किस वस्तु के बारे में, किस स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें प्रियंका, मीना और सीमा मौसी, ये तीनों क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया उनका सूची बनाई। जैसे प्रियंका के लिए क्या शब्द चूज किया गया है? आप, है ना। मीना के लिए मैं, मेरा, तुम, तू, मुझे, और सीमा मौसी के लिए उन्होंने। तो ये जो शब्द हैं आप, मैं, मेरा, तुम, तू, मुझे, उन्होंने, ये शब्द सब क्या है? ये शब्द सब क्या है? ये हैं सर्वनाम। समझ में आया आपको? सो नीचे दी की परिभाषा को पूर्ण कीजिए। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसी तरह से वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले शब्दों का जो है प्रयोग किया गया उनको शांत कर अलग कीजिए। तो मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है, तो मुझे शब्द जो है, हम मैच जीत गए, हम शब्द, तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो, तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं, तुम्हारी, वह कैप्टन है, वह, उसने एक लंबा छक्का लगाया, उसने। तो इस तरह से इसमें जो शब्द आए, मुझे, हम, तुम, तुम्हारी, वह, उसने, इसमें क्या, आप किसके बारे में बात करें? हम अपने बारे में, दूसरे बंदे के बारे में, या फिर तीसरे व्यक्ति के बारे में, है ना। तो नेक्स्ट आप देखिए, विधानों को पढ़िए और खुद के लिए जो प्रयुक्त शब्दों का उनको शांत कर लिखिए। जैसे आप राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया, तो स्वयं शब्द, मैं अपने आप चला जाऊँगा, तो आप शब्द, मतलब इन शब्दों को जो शांत कर लिखे। तो ये जो दो टाइप्स के सर्वनाम जो है हम आज डिस्कस कर रहे हैं। पहला सर्वनाम जो है वो है पुरुषवाचक संज्ञा सर्वनाम। ओके, और इसमें क्या होता है कि जब हम बातचीत करते हैं, जब अपने बारे में बातचीत करते हैं, या फिर जो हमें सुन रहा होता है उसके बारे में बातचीत करते हैं, या फिर तीसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत करते हैं, तो अंततः बात करते समय हम तीन प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं, हम। मध्य पुरुष में आता है तुम। जब हम दूसरे मतलब मध्य की बात कर रहे हैं, तुम, आप, तुम, तुझे, मुझे, तुम्हें आदि। और अन्य पुरुष मतलब तीसरा बंदा। तो ये जब हम इन तीनों के बारे में जब बात करते हैं, तीन प्रकार के शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम।
ओके और निजवाचक सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो हम स्वयं के लिए यूज़ करते हैं। तो कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है स्वयं के लिए किया जाता है, वे निजवाचक संज्ञा सर्वनाम। तो उस जब हम अपनेपन का, जहाँ जिन शब्दों में हमें अपनेपन का बोध होता है, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें दिया गया है, मैं स्वयं चला जाऊंगा, आप बे आप ही चला गया, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, मैं वे खुद चले गए। तो मतलब एग्जांपल दी गई है जिसमें अंडरलाइन किए हैं शब्द, जो स्वयं, आप खुद, मतलब जो शब्द मैंने अंडरलाइन करे हैं, ये सारे शब्द क्या बता रहे हैं? निजवाचक सर्वनाम के बारे में हमें बता रहे हैं। मतलब इन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है या फिर निजवाचक सर्वनाम है। समझ में आया आपको? तो आज के चैप्टर में जो हमारे जो चैप्टर 5 था, इसमें हमने आज ग्रामर पोर्शन के बारे में डिस्कस किया। तो आज हमने ग्रामर पोर्शन में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सर्वनाम के बारे में। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर भी युक्त किए जाते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं, एक पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा निजवाचक सर्वनाम। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो हमें अपने बारे में, सुनने वाले के बारे में, तीसरे बंदे के बारे में जब हम ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और जो वह शब्द हम अपने लिए, जो शब्द हमें अपनेपन का बोध कराते हैं, उनको क्या कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम। सो जहाँ तक ही आज आपका जो है, तो आज जहाँ पर आपका चैप्टर जो 5 है वो फिनिश हो जाता है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।